वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे सामने आज खड़ी है न्यू EC3 मतलब इलेक्ट्रिक C3 सिट्रोइन में ही रहने वाली है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने मिलती है पूरा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और ये जो वेरिएंट है आपका सिट्रोइन C3 का साइन वेरिएंट होने वाला है। इसमें आपको फोग लैंप ऑफर नहीं करे जाते। तो प्राइस वगैरह की बात करते हैं 2,35,000 रुपये इसका जो है पूरा आपको रहने वाला है प्राइस वगैरह। 320 किलोमीटर की आपको ड्राइविंग रेंज इसमें देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक 5 सीटर ये आती है। 29.2 किलोवाट की जो इसकी बैटरी कैपेसिटी रहने वाली है इस वेरिएंट की। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ फ्रंट में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपको सारा ही मैं बता दूँ, फ्रंट में आपको पूरा ही हैलोजन बल्ब देखने के लिए मिलेगा। वो किस प्रकार आपके जलते हैं वो मैं दिखाता हूँ अभी। इस प्रकार की इसमें जलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार के आपको DRL देखने मिलेंगे। हैलोजन में जो है इसके बल्ब आपको देखने के लिए मिलेंगे DRLs। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, ऊपर आपको DRL देखने मिलेंगे। फेंडर पे भी आपको इसका जो है देखने के लिए मिलता है इंडिकेटर। और इस प्रकार की जो पूरी इसकी फ्रंट की ग्रिल रहने वाली है क्रोम में आपको देखने के लिए मिलेगी। और कुछ इस टाइप की वही सीट्रोन वाला डिज़ाइन आपको देखने के लिए फ्रंट में मिलेगा। कोई भी सेंसर जो है इसमें आपको प्रोवाइड नहीं करा जाता। आपको सिल्वर कलर की जो है स्कीड प्लेट देखने के लिए मिलेगी। फोग लैंप आपको इसमें नहीं मिलते, लाइट मैं आपको बता चुका हूँ। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो टायर सेक्शन में आपको इसमें अलॉयज ऑफर करे जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। C8 के जो है इसमें आपको टायर देखने के लिए मिलेंगे। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो 95/65 R15 inch का जो है पूरा इसका टायर सेक्शन रहने वाला है। बीच में आपको डायमंड कट में आपको सिल्वर एंड ब्लैक कलर में जो है इसका अलॉय देखने के लिए मिलेगा। और कुछ इस प्रकार की इसकी साइड प्रोफाइल रहने वाली है। ब्लैक पियानो में आपको डुअल टोन में मिलती है, एक ब्लैक पियानो और ऑफ और वाइट कलर में आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस प्रकार का आपको और भी मिलता है इसमें आपको पियानो ब्लैक देखने के लिए। और इस प्रकार के इसमें आपको हैंडल देखने के मिल जाते हैं। रूफ ग्रिल भी इसमें आपको दी जाती है, वो ब्लैक कलर में ही दी जाती है, ब्लैक कलर है। और ये कुछ हल्का ग्रे सा साइन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पे आपको इस प्रकार का हैंडल, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में देखने मिलता है। बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो पूरे ही आपको जो है हैलोजन का सेटअप बैक टेल लैंप पे भी इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पूरा रेड कलर का हैलोजन बल्ब आप इसमें यूज़ करे गए हैं। दो सेंसर इसमें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। स्कीड प्लेट भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको दो जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, एक नीचे की तरफ, एक इस तरफ, एक उस तरफ। बीच में सिट्रोइन लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे EC3 वाइपर्स इसमें आपको दिए गए हैं। डिफोगर मिल जाते हैं, वाशर मिल जाता है, हाई माउंट टेल लैम्प मिल जाती है। यहाँ पे भी टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। इस प्रकार की जो है पूरी आपकी छत जो है रूफ जो है पूरी डुअल टोन की तरफ देखने के लिए मिलेगी। और ये आपका ग्रे कलर सा इसमें यूज़ करा गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जो इसकी रूफ है अदर कार से। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की, आपको कितना देखने के लिए मिलता है। तो ओपन करता हूँ उसका बूट स्पेस। तो बूट स्पेस की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार का रहने देखने के लिए मिलने वाला है। 310 लीटर का आपको उसमें जो बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको कोई भी जो है लैंप ऑफर नहीं करी जाती है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको जो है कुछ हुक सा मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। ये इसके कुछ चार्जर्स वगैरह मिल जाते हैं। ये इसका चार्जर है। ये आपको बेसिक किट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। और इसके नीचे की बताऊँ मैं आपको तो ऐसा कुछ टायर का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, तो चलो चलते हैं। एक कैमरा भी जो इसमें आपको प्रोवाइड करा जाता है पीछे की तरफ, ये देख लो। साइड की बात अगर करते हैं तो आपको कोई भी जो है रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ से जो है अपना चार्ज वार्ज करोगे ये ऊपर, तो आपको चार्ज वगैरह करने के लिए यहाँ से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इस प्रकार का जो है टॉर्च में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक जो आपको हाई स्पीड में चार्ज करेगा और एक आपका नॉर्मल आप अपने घर वगैरह पर चार्ज कर सकते हैं। वो दो ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे आपको हैलोजन के जो है इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए इसमें मिलती है। डुअल टोन में आपको पूरा जो है इसका डोर रहने वाला है, पूरा ही हार्ड टॉप प्लास्टिक में आपको देखने के लिए मिलेगा। डुअल पावर जो है आपके विंडोज़ रहने वाले हैं। आप यहाँ पे आपको दो मिलते हैं। यहाँ पे आपको वाइट कलर का जो पूरा टेस्ट अंदर दिया गया है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह थोड़ा सा स्पेस वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। सिल्वर कलर का आपको जो है हैंडल मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ आपको लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। पहले बता दूँ सीट्स की तरफ। सीट्स आपको जो है पूरी कुशनिंग में मिलने वाली, फैब्रिक की सीट आपको इसमें यूज़ करी गई है। और हाइट मिल जाती है एडजस्टेबल, और आप पूरी ही सीट्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है स्लाइड वगैरह कर सकते हैं, इससे आप आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। तीन पैडल मिल जाते हैं नीचे, रेस
रेस का मिलता है और आपको एक डेड पेडल मिलता है, बीच में आपको ब्रेक के लिए मिल जाता है और साइड की बात हो तो यहाँ से आप जो है इसका चार्ज करने के लिए वो उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बोनट वगैरह इसको ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, मैं इंटीरियर के अंदर आ चुका हूँ। वही आपको सी टाइप के जो है मैंने आपको बताया एसी वेंट्स वगैरह सिल्वर एंड पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है ट्विटर मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात करूँ तो डी कट में आपको जो स्टेयरिंग मिलने वाला है लेदराइट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह और कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए और यहाँ पे आपको दो बटन्स भी मिल जाते हैं। एयर आरसी माइक का बटन आपको देखने मिलता है। बीच में सिट्रोन का लोगो, यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है स्टेयरिंग। छोटा सा स्मॉल साइज में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक है जैसे मैंने बताया, तो ज़्यादा कुछ इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है और ऑटोमेटिक में आपको न्यूट्रल पार्किंग रिवर्स ड्राइव वगैरह मिलता है और इको मोड भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी रेंज दिखाएगा, जैसे भी ये दिखा रहा है 70 किलोमीटर की रेंज अभी ये दिखा रहा है, जबकि इसमें दो जो है बैटरी के डंडे इसमें आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इस टाइम ये न्यूट्रल में है तो आपको ये दिख रहे हैं। इसमें हाइट इसकी सीट बेल्ट के वगैरह देखने के लिए मिलेगा। चार्ज पे लगी है तो ये बताएगा, हैंड ब्रेक के लिए तो बताएगा, स्टीयरिंग वगैरह के लिए बताएगा, चारों गेट में से कोई सा गेट ओपन है तो वो बताएगा, बैटरीज के बारे में भी ये आपको नॉलेज देगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पे आपको मिरर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और कुछ इस प्रकार की आपको 10 इंच की जो उसमें स्क्रीन देखने को मिलेगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह, फ़ोन वगैरह, आप सारी चीज़ सिस्टम इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको जो है इसमें आपको एसी के वेंट्स कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। सारे एसी के जो कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिलता है, यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, चारों हज़ार इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, यहाँ भी आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है पूरा जो बोतल होल्डर वगैरह दो देखने को मिलते हैं। पियानो ब्लैक में जो उसका मेन कंसोल वगैरह रहने वाला है, इसमें आपको रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव तीन ऑप्शन आप देखने के लिए मिल जाते हैं और कुछ इको मोड भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपकी ज़्यादा ही रेंज बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ पे भी आपको स्पेस देखने मिलता है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक सा मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको 12 जो है पावर विंडोज वगैरह कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस सामान देखने रखने के लिए मिल जाता है। इसकी अगर बात करूँ तो मैं ग्लव बॉक्स भी कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ आपको देखने के लिए ये मिलेगा और कुछ इस प्रकार का जो उसका पूरा डैशबोर्ड रहने वाला है। IRVM आपको मैनुअली एडजस्ट मिल जाते हैं, डे नाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए वैनिटी मिरर देखने के लिए नहीं मिलता। लैंप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी आपको उसमें जो है ग्रे हैंडल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। उस साइड भी आपको वही स्पीकर की बैजिंग, वही बोतल होल्डर वगैरह देखने मिल जाता है और इस प्रकार का जो पूरा साइड वाला कंसोल रहने वाला है, डैशबोर्ड उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। अब चलते हैं इसकी बैक सीट्स की तरफ, उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। पहले मैं सीट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस समय जो है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सीट जो है इसकी एडजस्ट कर चुका हूँ मैं। अब चलता हूँ उसकी बैक प्रोफाइल में, आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। दो मिनट बैकडोर की तरफ मैं आ चुका हूँ। बैकडोर में आपको क्या क्या चीज़ देखने मिलती है तो बताता हूँ। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के हैंडल मिल जाते हैं, बोतल होल्डर मिल जाता है और आपको यहाँ पे स्पीकर्स भी ऑफर करे जाते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर की तरफ। अंदर करते ही एंट्री करते ही आपको जो है लेग स्पेस की बताऊँ तो नो डाउट आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो हेडरूम भी आपको काफ़ी अच्छा ही देखने के लिए मिल जाता है और कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ स्पेस देखने को मिलेगा। दो आपको चार्जिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। सीट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग इसमें आप देखने के लिए मिल जाती है। पीछे आपको पार्सल ट्रे भी देखने के लिए मिलती है और बहुत अच्छा जो है इसमें स्पेस मिल जाता है, सामान छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं। दो इसमें आपको हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। आर्मरेस्ट वगैरह इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, आमरेस इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। दो कप होल्डर इस तरफ देखने मिल जाते हैं, एक ग्रेव हैंडल इसको इस तरफ, एक ग्रेव हैंडल इस तरफ देखने मिलता है। अब चलते हैं इसके बोनट की तरफ, उसके बोनट में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए। बोनट जो है मैंने इसको ओपन कर दिया है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ ऑफर करी जाती है, क्या क्या चीज़ दी जाती है। चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 557 मिनट इसमें जो है आपको कंपनी क्लेम कर रही है। जो आपको बैटरी कैपेसिटी आपको बता चुका हूँ 29.2 किलोवाट की, मतलब 29.2 किलोवाट की जो इसकी बैटरी आपको देखने को मिलेगा। जो आपको MX पावर 56.21 की आपको BHP निकाल के देगा और टॉर्क की बताऊँ तो 143 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है और रेंज इसकी 320 किलोमीटर की रहने वाली है। और ये थी और इस प्रकार का जो है आपको बैटरी का सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे चार्जिंग
जो है अपनी स्टार्टिंग वगैरह करने के लिए नॉर्मल आपको बैटरी इस तरफ देखने के लिए मिलेगी, इस तरीके का पूरा आपको पैक देखने के लिए ये मिलेगा।